हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ चुन कर लाते हैं और उम्मीद है कि आपको भी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं। तो आज भी हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको एक अच्छी सीख देगी, क्योंकि आजकल हम आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे बहुत कुछ छोड़ देते हैं। तो आज की कहानी भी हमारी इसी प्रेरणा से है। आज की पीढ़ी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। कभी कभी हम लोग आगे बढ़ने के चक्कर में अपना बहुत कुछ खो देते हैं। आज की कहानी है सागर और उसके पापा की। सागर बहुत ही अच्छा लड़का है और अब भी वह 10 साल का है। सागर को पतंग उड़ाने का बहुत ही शौक है। एक दिन वह अपने पापा के साथ पतंग उड़ा रहा था। उसके पापा को पतंग उड़ाने का तरीका उतने अच्छे से नहीं पता था, लेकिन फिर भी वह सागर के साथ पतंग उड़ा रहे थे। जब पतंग ऊपर चली गई तो सागर बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन एक ऊंचाई के बाद पतंग ऊपर जा ही नहीं रही थी। यह सब देखकर सागर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने पापा से बोला, आप पतंग की डोर को काट दो, वह और ऊपर चली जाएगी। लेकिन उसके पापा ने मना कर दिया। फिर तो सागर को गुस्सा आ गया और वह खुद चाकू से पतंग की डोर को काट देता है। पहले तो पतंग ऊपर गई, लेकिन कुछ टाइम के बाद वह नीचे आ गई। सागर भी यह देखकर देख रहा था। सागर के पापा ने बोला, देखा, मैंने बोला था कि यह गिर जाएगी। अगर डोर नहीं कटी होती तो यह फिर से ऊपर चली जाती। अब सागर को समझ आ गया था और पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा ज़रूर मिलती है कि आगे बढ़ने के चक्कर में हमें अपने पीछे अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम लोग अपने घर वालों, माता पिता को छोड़कर आगे तो जाना चाहते हैं, इससे आप आगे तो चले जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी आप उन्हें छोड़कर ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। कटी पतंग हमें ये शिक्षा देती है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपनों को साथ लेकर बढ़ना है। तो उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही कहानियाँ लेकर हम आपके लिए आते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।